वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। तालीम के नाम पर तालिबानी सजा, मदरसे में लोहे की जंजीरों में जकड़ा मासूमों का बचपन, लोहे की जंजीरों में कैद बच्चों का वीडियो वायरल, ये कैसी दी जा रही है तालीम। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां तालीम देने के नाम पर मौलाना के द्वारा मासूम बच्चों को पूरी तरह से जंजीरों में जकड़कर कैद करके मदरसे के अंदर रखा गया। तालीम के नाम पर एक मदरसे में रखे गए बच्चों को एक मदरसे में जंजीरों में जकड़े होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां एक ही लोहे की जंजीर में 3 से 4 मासूम बच्चे बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला अलीगढ़ के मदरसा तालीमुल कुरान थाना सांसनी गेट मोहल्ला लड़िया का है, जहां मदरसे का मौलाना फहीमुद्दीन द्वारा बच्चों को जंजीरों में बांधने का वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मदरसा संचालक पर आरोप लगाया और कहा कि बच्चों से मंगवाते थे मौलवी। साथ ही लोगों का यह भी कहना था कि मौलवी एक दबंग किस्म का व्यक्ति है जो बच्चों के साथ मारपीट करता था। जब आज बच्चों के रोने की आवाजें आई तो जाकर देखा कि बच्चों को मदरसे में बांध कर रखा गया है। इसको लेकर हमने विरोध किया तो हमारे साथ मदरसे में मारपीट की गई। बच्चों को पढ़ा रहा है और आज भी बच्चों की जो है मारपीटने की आवाज़ आ रही थी रोने की उनकी, हम उसके लिए बचाने के लिए बच्चों को देखने के लिए गए थे। हमने उससे कहा भाई बच्चों को तुम पढ़ाने के लिए ला रही हो या मारने के लिए ला रही हो। उसने उस पर जो है हमसे बदतमीजी की, हमें मारा है, कभी छूट है हमारे और हम पे जो है बदतमीजी बहुत ज्यादा की है। तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्राधिकारी प्रथम राघविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो इलाका पुलिस को मिला है, उसी के आधार पर थाना सासनी गेट में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। आरोपी मौलाना को पुलिस हिरासत में लिया गया है, बच्चे को मुक्त कराकर CWC कमेटी के सपूत कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही जारी है। एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो जिसमें एक बालक के पैरों में जंजीर बंधी हुई दिखाई पड़ रही है, उसके आधार पर थाना सासनी गेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आरोपी व्यक्ति को हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया है। बालक को CWC कमेटी के समक्ष सुपुर्द किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा करवाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये मौलवी मजहब के नाम पर अपराध करते रहेंगे और प्रशासन की तरफ से क्या सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहेगा। और वैसे भी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सतर्क है और वो किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं करना चाहते। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला